हां जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। अक्सर बच्चा मुझसे पूछता है कि सर मैं दो करियर ऑप्शंस में बड़ा कंफ्यूज हूं, एक है एनडीए का एग्जामिनेशन, दूसरा है जेई का एग्जामिनेशन। लोगों की अलग अलग सोच है, लोगों की अलग अलग राय है। कोई कहता है एनडीए बेस्ट है, कोई कहता है IIT बेस्ट है, सर मैं कौन सा चूज करूं। इसी कंफ्यूजन को आज दूर करने की कोशिश हम इस वीडियो के थ्रू करेंगे। हम एक एक चीज जानेंगे, एग्जामिनेशन पैटर्न से लेके सिलेबस से लेके करियर प्रोस्पेक्ट से लेके रिटायरमेंट तक की चीजें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखना एंड बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। अगर चीजें आपको पसंद आए या फिर मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एनडीए एंड आईआईटी, मतलब आप खड़क वासला जाओ या फिर किसी भी आईआईटी में जाओ, तो सर कौन सा इंस्टीट्यूशन बेस्ट है। देखिए, इंस्टीट्यूशन को ऐसे कंपेयर करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। दोनों ही अपने अपने तरीके से बेस्ट है, दोनों ही देश सेवा कर रहे हैं, तरीका बस अलग है। एनडीए के थ्रू जो बच्चा जाता है वो फोर्सेज में जाता है और देश की सेवा फ्रंट लाइन पे रहकर करता है। आईआईटी में जो जाता है वो बच्चा टेक्नोलॉजी में कुछ एडवांसमेंट करके देश की सेवा करता है। तो इंस्टीट्यूशन का कंपैरिजन एक्चुअली में ठीक बात नहीं है। फॉर दैट मैटर हमारे देश में जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से देश की डेवलपमेंट में, देश की सेवा में अपना जिस भी तरीके से वो रोल अदा कर सकते हैं वो रोल अदा कर रहे हैं। अब ये तो बात होती है कि अपने पैशन की बच्चे को पसंद क्या है। जो भी बच्चा नॉर्मली एनडीए का एग्जामिनेशन देता है वो बच्चा पैशनेट होता है। कोई भी बच्चा वो एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर सकता एनडीए का जिस बच्चे को धकेला गया हो। बिकॉज एनडीए एग्जामिनेशन कोई एक सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन नहीं है या फॉर दैट मैटर 10 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन नहीं है। एनडीए का एग्जामिनेशन इज अबाउट योर पर्सनैलिटी। सिर्फ पढ़ने वाला बच्चा आईआईटी जा सकता है, सिर्फ पढ़ने वाला बच्चा एनडीए नहीं जा सकता। तो ऐसे ही एंड उसी तरफ अगर हम बात करें आईआईटी की, आईआईटी में जो बच्चे जाते हैं वो फिजिकली फिट हो या ना हो, पर्सनैलिटी उनकी कैसी हो या ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस उनका माइंड शार्प होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज आईआईटी के थ्रू जो बच्चा निकल रहा है वो टेक्नोलॉजिकली साउंड होना चाहिए। उसको आगे जाके देश की टेक्नोलॉजी में कुछ करना है या फिर आजकल तो बड़े बड़े बिजनेस लोग खोल रहे हैं जो आईआईटीएंस होते हैं या फॉर दैट मैटर किसी भी अलग अलग फील्ड में कर रहे हैं। तो दोनों के अंदर घुसने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो एकदम अलग अलग है। मैंने आपको दोनों की रिक्वायरमेंट समझा दी है। अब आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न पे। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो आईआईटी का एग्जाम या फॉर दैट मैटर जेई का एग्जाम होता है उसमें बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड सिलेबस होता है कि आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़नी है एंड दैट टू 11th एंड 12th क्लास की पढ़नी है। ऑब्वियसली उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन पढ़ना है। वहीं पे जब एनडीए की बात करें तो उसका सिलेबस डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज़ वो तीन सब्जेक्ट में मतलब समाहित रह के एग्जामिनेशन नहीं रह सकता है। आप मैथ्स में जरूर बोल सकते हो कि 11th 12th की मैथमेटिक्स है, आप जीएस है कोई सिलेबस डिफाइन नहीं कर सकते। साइंस में आप ये नहीं बोल सकते सिर्फ 9 10th आती है, 11 12th आती है। मोटा मोटे तौर पे मैं बता दूं तो मैथमेटिक्स आपकी 11 12th की आती है, जीएस आपकी अप टू 12th लेवल आती है, साइंस अप टू 10th लेवल आती है और इंग्लिश का कोई क्लास नहीं है, कॉम्पिटेटिव इंग्लिश आती है। टोटल 10 सब्जेक्ट मोर और लेस एनडी के एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए पढ़ना पड़ता है। वहीं पे आईआईटी में 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। फर्क ये है आईआईटी 3 सब्जेक्ट पूछेगा लेकिन 3 के 3 को बहुत ज्यादा डेप्थनेस में पूछेगा। एनडीए में सारे सब्जेक्ट पूछेगा बट उतने डेप्थ में नहीं पूछता है बिकॉज वहां पे रिक्वायरमेंट ये है कि आपको हर एक फील्ड की नॉलेज हो। तो ये बेसिक डिफरेंस है अबाउट सिलेबस। अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो जेई का एग्जाम साल में अब तो 4 बार होने लग गया, पहले 2 बार होता था, उससे पहले 1 बार होता था और अल्टीमेटली बच्चा जब एग्जाम देता है उसके रिस्पेक्टिव मार्क्स आते हैं, उसके बेसिस पे उसको अपने ड्रीम कॉलेजेस मिलते हैं। अगर आईआईटी नहीं मिल पाता तो एनआईटी या फिर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज या फॉर दैट मैटर बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, जो जेई का एग्जाम होता है उसके थ्रू एडमिशन लेते हैं। वहीं पे जो एनडी एग्जामिनेशन होता है वो साल में 2 बार होता है, पेपर 1 पेपर 2 मैथ्स एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट। जो बच्चा उस एग्जाम क्लियर कर लेता है उसका एक 5 दिन का SSB प्रोसेस होता है जिसको बहुत लोग इंटरव्यू भी बोल देते हैं, उसके बाद मेरिट निकलती है। अगर बच्चा सपोज करो 400 वैकेंसी है, अगर 400 बच्चों में आप आ पाए, अगर आप मेडिकल फिट हो 400 बच्चों में आ पाए तो आप एनडीए जो कि लोकेटेड है खड़कवासला पुणे में वहां जाओगे, वरना आप नहीं जाओगे। कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप मेरिट से बाहर हो गए तो कोई कुछ और ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आईआईटी में होता है कि आईआईटी नहीं मिला तो एनआईटी मिल जाएगी, ऐसा एनडीए एग्जामिनेशन में नहीं होता है। या तो यस है
या नो है, या तो आप अकेडमी के अंदर जा रहे हो या बाहर हो, फिर आप दोबारा दूसरी साइकिल में दोबारा प्रिपेयर। अगर आप ट्रेनिंग की बात करो तो आईआईटी में बीटेक का कोर्स होता है जो कि नॉर्मली 4 साल का होता है, वहीं पे अगर आप एनडीए के एग्जामिनेशन के थ्रू जाते हो तो भी आपका टोटल जो ट्रेनिंग टेन्योर होता है वो 4 साल होता है, जिसमें से 3 साल आप खड़कवासला में ट्रेनिंग पाते हो, उसके बाद रिस्पेक्टिव फोर्सेज के हेडक्वार्टर्स में या हेडक्वार्टर्स नहीं अकेडमीज में आप जाते हो एंड वहां पे आप ट्रेनिंग पाते हो। तो दोनों में ही वो 4-4 साल का ही है, बस वहां पे कंप्लीट पढ़ाई है, यहां पे पढ़ाई के साथ साथ आपकी ट्रेनिंग भी है, मेंटल भी ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, हर एक टाइप की ट्रेनिंग आपकी एनडीए में करवाई जाती है। अब आ जाते हैं करियर प्रोस्पेक्ट से। आईआईटी में अगर आप जाते हो तो जरूरी नहीं है कि आईआईटी में एडमिशन लेते ही आपका फिक्स हो जाता है कि आप बहुत ही बड़ी कंपनी में प्लेस हो ही जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा हर एग्जामिनेशन में, हर एक कदम पे, और फाइनली फिर प्लेसमेंट्स आएंगी, प्लेसमेंट्स में आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको बेसिकली कंपनीज हायर करेंगी, या फॉर दैट मैटर अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते हो तो भी आपने आपको किसी ना किसी फील्ड में आपको प्रूव करना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप एनडीए जाते हो तो एनडीए में अगर आप सारे सब्जेक्ट्स पास कर लेते हो विद इन गिवन टाइम तो आपको नौकरी लगने ना लगने का डर नहीं रहता है, वो तो फिक्स होता है। फॉर दैट मैटर जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप आर्मी में जा रहे हो तो आप सब लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे अपॉइंट हो ही जाओगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर ट्रेनिंग पीरियड, मतलब 3 साल वो और 1 साल आईएमएम में अगर आप ट्रेनिंग पा लेते हो तो अल्टीमेटली आप पहुंच जाओगे अपनी जो भी आपको अलोकेट होगी सर्विसेज या बटालियन, जहां भी आप जाना मतलब जो भी एलोकेट होगी वहां पहुंच जाओगे। वहां आपको बार बार एग्जामिनेशन के थ्रू प्रूव नहीं करना पड़ेगा, ऑब्वियसली कुछ इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं जिनको आपको पास करना है, बट उसमें उस तरीके का डर नहीं है कि आपको पास नहीं हो पाए तो फिर क्या होगा, इसमें वो मुझसे पहले आ गया तो क्या होगा, वो वाला कॉम्पिटिटिव माहौल अंदर जाने के बाद नहीं होता है। अगर आप मॉनेटरी बेनिफिट्स की बात करोगे तो आईआईटी से जो बंदा ग्रेजुएट हो रहा है, जॉब कर रहा है या अपना खुद का बिजनेस कर रहा है तो उसमें पैसे की तो कोई लिमिट नहीं है, बंदा कहीं तक भी जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर में बंदा कहीं तक भी कमा सकता है। इट्स नॉट दैट कि आप केवल 1 लाख 2 लाख या 3 लाख ही कमा सकते हो महीने का, आप कितना भी कमा सकते हो। वहीं पे अगर आप एनडीए के थ्रू जा रहे हो, किसी भी फोर्स में जा रहे हो, तो एक फिक्स्ड आपकी सैलरी होगी, जो सरकारी नौकरी में बेसिकली होता है फिक्स सैलरी होगी, उससे ज्यादा आइडियली आप नहीं कमा सकते। तो मॉनेटरी बेनिफिट में जरूर वहां पे लिमिटेशन लग रही है, लेकिन जो जो फैसिलिटीज एक ऑफिसर को दी जाती है, एक आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर को दी जाती है, अगर उनकी हम मॉनेटरी बेनिफिट्स में कैलकुलेट करने लगेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी जॉब इंडिया में, फॉर दैट मैटर वर्ल्ड में, उसके कंपैरिजन में कहीं आ भी सकता है। अगर आप इन हैंड कैश की बात करोगे तो ऑब्वियसली वो जरूर कम होता है, बट उसके साथ साथ जो सर्विसेज, जो फैसिलिटीज आपको मिल रही है उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। शायद उनको नंबर्स में हम कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे कि कितना एक्चुअली एक अफसर पे खर्चा लग रहा है, बिकॉज इतनी डेजिग्नेटेड पोस्ट है, उस ऑफिसर को हर टाइप की फैसिलिटी भारतीय सरकार दे रही है ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। अगर बात करें कि लाइफ कैसी रहने वाली है तो जो फोर्सेस की लाइफ होती है वो फुल ऑफ एडवेंचर होती है। देखो जो भी बच्चा फोर्सेस में जा रहा है, चाहे एनडीए के थ्रू जाए, किसी भी एंट्री के थ्रू जाए, एक बात तो फॉर श्योर होती है कि लाइफ पूरी एडवेंचरस रहने वाली है। एक नॉर्मल लाइफ बंदा मतलब नहीं जी सकता है। नॉर्मल लाइफ चाहिए तो ऑब्वियसली आपको फोर्सेज में नहीं आना चाहिए। जो आईआईटी वाला बंदा होता है या फॉर दैट मैटर कोई भी प्राइवेट सेक्टर का बंदा होता है, उसकी जो लाइफ होती है कंपेरेटिवली काफी इजी गोइंग होती है, एक सेट होता है कि इस तरीके से चलेगा। ऑब्वियसली हर बंदे की लाइफ में कुछ चैलेंजेस होते हैं, लेकिन जॉब का नेचर इनबिल्ट एडवेंचरस नहीं होता। वहीं पे फोर्सेस में चाहे किसी भी फोर्स में जाओ, वो इनबिल्ट जो नेचर जॉब का है वो एडवेंचरस ही होता है। तो पूरी लाइफ आप एडवेंचर से भरी ही गुजारते हो। तो अगर आप इस टाइप के शौकीन हो कि आपको लाइफ थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनी है तो डेफिनेटली एनडीए का एग्जामिनेशन आपके लिए द बेस्ट। अगर आप एक सिंपल लाइफ मतलब रन करना चाहते हो, वो कंप्लीट, मैं किसी को सही या गलत नहीं बोल रहा हूं, कंप्लीटली अपनी चॉइस है, लेकिन स्टिल अगर एक सिंपल लाइफ जीना चाहते हो तो फिर एनडीए एग्जामिनेशन आपके लिए नहीं बना है, फिर आईआईटी जेईई या फिर फॉर दैट मैटर कोई और भी एग्जामिनेशन में आप एक सिंपल लाइफ लीड कर सकते हो। अब आते हैं, हमने जॉब भी कर ली है, हमने अच्छे पैसे भी कमा लिए हैं, अब बात आते हैं कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं। देखिए अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी में काम कर रहे हो, यहां तो फोर्सेस में काम कर रहे हो, फोर्सेस में तो एक अलग ही लेवल की रिटायरमेंट के बाद आपको ख्याल रखा जाता है, आपको बहुत टाइप की फैसिलिटीज दी जाती है। देखो रिटायरमेंट के बाद क्या चाहिए, रिटायरमेंट के बाद बेसिकली मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए होती है, थोड़ा सा पैसा चाहिए होता है एंड एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए होती है, वो सब आपको आर्म्ड फोर्सेस देती है। मैं ये नहीं कह रहा कि एनडीए ही देती है, एनडीए के थ्रू जो अफसर जा रहा है
को मिलती है, फॉर दैट मैटर फोर्सेज में किसी भी एंट्री के थ्रू अफसर जा रहा है उसको सारी फैसिलिटी मिलती है। वहीं पे आप जेई की या आईआईटी की बात करोगे वहां पे इस टाइप की गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं होती है। ऑब्वियसली अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो उस कंपनी के कुछ ऐसे टर्म्स थे तो बात अलग है। नॉर्मली गवर्नमेंट की तरफ से इस टाइप की कोई फैसिलिटी नहीं होती है। आपको खुद पैसा कमाना है, खुद अपने सेविंग जोड़नी है ताकि आप बुढ़ापे में अच्छे से बेसिकली अपना टाइम निकाल सको। उसके लिए अलग अलग तरीके हैं, लोग बहुत तरीकों से उस चीज को आज अपनी लाइफ को इजी बना चुके हैं। वहीं पे यहाँ पे वो इनबिल्ट फैसिलिटी आपको भारतीय सरकार देती है, वो उस चीज की रिस्पेक्ट करती है कि जो देश के लिए आपने सेवा करी, अपने जीवन का इतना अनमोल समय आपने देश के लिए दिया है तो हम रिटायरमेंट के बाद भी आपका ध्यान रखेंगे। तो एक मतलब अनमैचेबल फैसिलिटीज आपको भारतीय सरकार देती है। मतलब रियलिटी बताऊं तो इंसान लाइफ के जो जिस टाइम पे वो सर्व कर रहा है जितनी फैसिलिटी उसको वहां मिलती है, अगर आप बस उसकी केयरिंग वाली फैसिलिटीज हटा दो, एक बेसिक जीवन जीने के लिए जो फैसिलिटी चाहिए विदाउट एनी टेंशन, वो रिटायरमेंट के बाद भी सरकार आपको देती। तो ये वो चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी कि दोनों में डिफरेंसेस है। आप हर पॉइंट पे अच्छे से सोच सकते हैं किस कौन सी चीज आपको ज्यादा मोटिवेट करती है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप किसके लिए मोटिवेटेड हो, किसके लिए आप जी जान से मेहनत करना चाहते हो। करियर बच्चे सारे ही अच्छे होते हैं, इट्स टोटली डिपेंड कि आप किस तरीके से उस पर काम कर सकते हो। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको चीजें पसंद आई, इस टाइप की वीडियोस और चाहते हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।